बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं राजकुमार और मैं आप सभी को क्लास फोर का इंग्लिश टेक्स्ट बुक पढ़ा रहा हूं। मैंने कई चैप्टर पहले भी पढ़ाए हैं, आपको मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और इसके डिस्क्रिप्शन में भी मैं सभी वीडियो का लिंक डाल दूंगा। और आज हम लोग पढ़ेंगे ये वंडरफुल प्लेस, है ना। यह एक पोएम है, ए वंडरफुल प्लेस। वंडरफुल मतलब होता है सुंदर, प्लेस मतलब होता है स्थान, एक सुंदर स्थान, एक बेहतरीन स्थान। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, ये प्लेस वेयर चॉकलेट ग्रोज ऑन ट्रीज, जहाँ पेड़ों पर चॉकलेट उगते हैं। क्या सच में बताइए, क्या आप लोग वास्तव में ऐसा पेड़ देखे हैं जहाँ चॉकलेट उगते हो। व्हाट विल यू डू इफ़ यू गो टू दैट प्लेस, यदि आप वास्तव में वैसा स्थान जाते हैं तो सच बताओ कि आप सबको कैसा लगेगा, है ना। व्हाट विल यू डू, आप क्या करोगे वहाँ जाने के बाद, आप क्या करोगे यदि आप ऐसे स्थान पर जाते हो, तो आप क्या करोगे। रीड एंड एंजॉय, पढ़िए और आनंद लीजिए। चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। Sometimes I think of a wonderful place, the king in hut and poor in palace. The queen draws water from the well, the servants are seen in gold and jewel. बहुत सुंदर कल्पना है। पहला जो लाइन है, फर्स्ट लाइन हमारा कहता है, Sometimes I think of a wonderful place. कभी कभी मैं एक सुंदर स्थान के बारे में सोचता हूँ। The king in हट, जहाँ राजा झोपड़ी में हो, एंड पुअर इन पैलेस, और पुअर कहाँ हो, गरीब कहाँ हो, गरीब लोग महलों में रहे। राजा कहाँ हो, हट में हो, झोपड़ियों में रहे। राजा कहाँ रहे, झोपड़ियों में। द किंग इन हट एंड द पुअर, एंड पुअर इन पैलेस, और जो गरीब हो वो कहाँ रहे, वो रहे महलों में। द क्वीन ड्राउज वाटर फ्रॉम द वेल, रानी जो है कुओं से पानी निकाले, पानी खींचे, कुआं से पानी खींचकर निकालते हैं, वो काम रानी करे। द सर्वेंट्स आर सीन इन गोल्ड एंड ज्वेल, और जहाँ नौकर चाकर जो है, सेवक लोग सोने और आभूषणों में दिखाई दे, बिल्कुल जैसे कि हम वर्तमान युग में जैसा देखते हैं उसके बिल्कुल विपरीत। The sun is a square, it rises from the west. Birds live in caves and animals in nest. The moon is pink, it seems so near. The sky is so colorful, clean and clear. दूसरा जो स्टेंजा है बहुत ही सुंदर है। वो पहला है, The sun is a square, जहाँ सूरज कैसा है, स्क्वायर है, है ना, राउंड नहीं है, स्क्वायर है, है ना। आप स्क्वायर जानते हैं, ये स्क्वायर है, ये ए राउंड है, ये सर्कल के रूप में है, ये स्क्वायर है। जहाँ सन कैसा है, स्क्वायर के रूप में है, ठीक है। जहाँ सन कैसा हो, स्क्वायर के रूप में हो सन, द सन इज स्क्वायर। इट राइजेज फ्रॉम द वेस्ट, और यह किससे उगे, किस दिशा से, वेस्ट से, अर्थात पश्चिम से। हम जानते हैं द सन राइजेज इन द ईस्ट, है ना, पूरब में उगता है। लेकिन जो कवि है वो ऐसे जगह का कल्पना कर रहा है, ऐसे जगह का जहाँ कि सूरज जो है पश्चिम से उगे। सेकेंड है, बर्ड्स लिव इन केव्स, पंछी जो है गुफाओं में रहे, पंछी गुफाओं में रहे, एंड एनिमल्स इन नेस्ट, और जहाँ जानवर जो है वो घोंसलों में रहे। द मून इज पिंक, जो चांद हो वो हमारा गुलाबी हो, इट सीम्स सो नियर, और काफ़ी नज़दीक, और काफ़ी नज़दीक लगे। द स्काई इज कलरफुल, क्लीन एंड क्लियर, और आकाश रंगीन हो, साफ हो, बिल्कुल साफ और स्वच्छ हो। नेक्स्ट स्टेंजा हम लोग देखते हैं, जो कि थर्ड स्टेंजा है। चिल्ड्रेन हैव विंग्स, दे फ्लाई टू अ स्कूल, एडल्ट्स हैव व्हील्स, दे फॉलो ट्रैफिक रूल।
जहाँ कि बच्चे के पास पंख हो, जहाँ बच्चों के पास पंख हो और वे लोग उड़कर स्कूल जाएं। बताइए आप लोग को भी अच्छा लगे अगर ऐसा स्थान हो, आप लोगों के पास भी पंख आ जाएगा और आप लोग को उड़ना बहुत पसंद है और आप लोग उड़ करके जो है स्कूल जाएंगे। एडल्ट्स हैव व्हील्स, और जो युवा लोग हैं उनके पास पहिए हो और वे लोग ट्रैफिक रूल का जो यातायात के नियम है उसका पालन करें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ट्रीज वॉक अवे फ्रॉम हीट एंड डस्ट, बबल्स ब्लूम ऑन प्लांट्स, गिव फ्रूट्स व्हेन दे बस्ट। कि पेड़ वहाँ चले, पेड़ वॉक करे वहाँ, है ना, गर्मी और धूल से पेड़ चले, और बबल्स ब्लूम ऑन प्लांट्स, और प्लांट्स में जो है वो बबल जो हम लोग के पानी के फवारा बनाते हैं वैसा निकले, और वे लोग जब वो फटे, जब वो बुलबुला और जब फूटता हो तो उससे फल निकले। ठीक है, फोर्थ स्टेंजा और अंतिम स्टेंजा है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। इसके पहले मैंने कई वीडियो बनाए हैं, इंग्लिश ग्रामर के भी वीडियो अपलोडेड हैं, और क्लास 5 और क्लास 3 के सभी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं और विथ क्वेश्चन आंसर हैं, आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं, है ना। तो आगे हम लोग लास्ट स्टेंजा को देखते हैं। एवरी वन इज हैप्पी, ऑल हैव फन, हर कोई खुश हो और सभी के पास आनंद हो, खुशियाँ हो। दे सिंग एंड डांस व्हेन वर्क इज डन, जब काम समाप्त हो जाए, पूरा हो जाए, वे लोग गाए और नाचे। इफ ओनली आई कुड लिव इन सच ए प्लेस, और ऐसे जगह में मैं शायद रह सकूं, केवल मैं शायद रह सकूं। देयर वुड बी नो टीयर्स ओनली अ स्माइल ऑन माई फेस, वहाँ आंसू नहीं हो मेरे चेहरे में, केवल मुस्कान ही मुस्कान हो, खुशियाँ ही खुशियाँ हो। तो कैसा लगा आप लोग को यह वीडियो, या एक कविता था ये वंडरफुल प्लेस, इसके क्वेश्चन आंसर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और इसके पहले के जो चैप्टर्स हैं उसके वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके, या तो जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वहाँ जाके क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके कुछ वर्ड्स हैं, प्लेस मीन्स स्थान, ट्रॉज मीन्स खींचना, ब्रिज मीन्स हवा, है ना, और मेयर, इसी तरह मेयर है, और एडवेंचर मीन्स होता है साहसिक कार्य। मेयर, यहाँ मेयर है, मेयर मीन्स होता है मात्र, मेयर मीन्स मात्र। इसका जो क्वेश्चन आंसर है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसे कवर करेंगे, क्वेश्चन आंसर को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। क्या है क्वेश्चन उसे हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है, नेम द पोएम, इस कविता को एक नाम दो, आप सब इसको बनाने का पहले प्रयास करेंगे, उसके बाद मैं आप सभी को बताऊंगा। दूसरा है, व्हाट डज द क्वीन डू, की रानी क्या करती है। हु लिव्स इन हट, झोपड़ी में कौन रहता है। हु आर सीन इन गोल्ड एंड ज्वेल, सोने और आभूषण में कौन दिखते हैं। हाउ डू चिल्ड्रेन गो टू स्कूल, बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं। यदि आप मेरे वीडियो को अच्छे से देखें तो आप इन सारे सवालों का जवाब आप दे सकते हैं, कम से कम हिंदी में तो लिख ही सकते हैं। इसी तरह फिल इन द ब्लैंक्स है, आप बना करके मेरे व्हाट्सएप नंबर जो है उसमें आप भेज दीजिएगा, है ना। व्हाट्सएप नंबर है 9661005551, ठीक है, उसमें आप भेज दीजिएगा, और इसके 1 से 2 दिन में मैं इसका क्वेश्चन आंसर अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे, आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर लें, या तो हमारे चैनल का पूरी तरह से विजिट कर लें। तो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।